गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास फोर्थ में सब्जेक्ट हिंदी रीडर में चैप्टर नंबर 11 भक्ति नीति माधुरी दोहे पाठ की एक्सरसाइज आपको आज कराएंगे। कल हमने आपको इसकी रीडिंग करा दी थी और दोहे समझा दिए थे, इनके अर्थ को भी। आज हम उसी पाठ को कंटिन्यू करते हुए उसका बुक वर्क आपको कराएंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे और पेज नंबर 58 खोलेंगे और मेरे साथ बुक में फिल करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसे नोटबुक में फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन का। दोहों की पंक्तियां पूरी कीजिए। ये जो दोहे हैं उनकी इन पंक्तियां यानी लाइनों को पूरा करना है। क्या है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो क्या आएगा? पल में परलय, पल में परलय होगी, होएगी बहुरी करेगो कब, बहुरी करेगो कब, करेगो कब। पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। आगे है नंबर दो। वृक्ष कबू नहीं फल बके। तो क्या आएगा? वृक्ष कबू नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, नदी न संचय नीर, ठीक है। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, साधु न धरा शरीर। आगे रहीमन चुप हवे बैठिए, देखे दीनन को फिर। तो क्या आएगा इसमें? आगे जब नीके दिन आई है, नीके नीके यानी बुरे दिन, दिन आई है बनत न लागी है बे। जब नीके अच्छे दिन, नीके माने अच्छे दिन आते हैं तो काम बनने में देर नहीं लगती, बनत ना लगी है बे। करत करत अभ्यास के जड़त होत सुजान। तो क्या आएगा? करत करत अभ्यास के जड़त होत सुजान। तो आगे इसमें आएगा रसरी, रसरी यानी रस्सी, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान, जात ते सिर पर परत निशान। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी दोहों की पंक्तियां पूरी। आगे है सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। विवेकपूर्ण निर्णय लेकर ही किसी बात को कहना चाहिए। सही है गलत? सही। कार्य का विचार आते ही उसे करने की क्रिया में जुट जाना चाहिए, क्योंकि विलंब होने पर उसमें रुकावट आ जाती है। सही है गलत? सही। यानी जब भी कार्य करने का हो तभी कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में रुकावट यानी काम पूरा होने में समय लगता है। वृक्षों व नदियों के समान हमें परोपकारी नहीं होना चाहिए। गलत। परोपकारी तो होना चाहिए। विपरीत समय आने पर व्यक्ति को सुसमय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, यानी जब उल्टा समय आता है तो अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सही। उत्तम प्रकृति के लोगों पर कुसंगति का शीघ्र प्रभाव पड़ता है। उत्तम जो अच्छी प्रकृति के लोग होते हैं उन पर कुसंगति का प्रभाव पड़ता है नहीं, बुरी संगत का प्रभाव नहीं पड़ता था, यानी ये गलत है। अब सही ग, सही विकल्प के आगे सही लगाइए। कहने लगे मोहन, मैया मैया का भाव है कि अब मोहन
मैया से कुछ मांग रहे हैं, मैया से शिकायत कर रहे हैं या बोलना सीख रहे हैं, तो क्या आएगा? बोलना सीख रहे हैं। आगे है सेकंड, बाबा शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कृष्ण जी के बाबा के लिए, नंद बाबा के लिए या बलराम के लिए? किसके लिए? नंद बाबा के लिए। हलधर का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मोहन के लिए, नंद बाबा के लिए या बलराम के लिए? किसके लिए आएगा? बलराम के लिए। निरंतर अभ्यास से क्या होता है? अज्ञानी भी मूर्ख हो जाता है, मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है या कुछ नहीं होता? तो क्या आएगा? मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। निरंतर लगातार प्रयास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। तो बच्चों, ये हो गया आपका आज का बुक वर्क। सभी बच्चों को ये अपनी नोटबुक में या बुक में करना है। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, डू पेज नंबर 58 इन बुक एंड नोटबुक। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।